आईपीएल का 17वां सीजन 22 मार्च से 26 मई के बीच खेला जाएगा। इससे पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। वुमेन्स प्रीमियर लीग के मुकाबले 22 फरवरी से 17 मार्च के बीच खेले जाएंगे। ये सारे खुलासे हाल ही में आई एक रिपोर्ट में हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2024 के लिए बीसीसीआई ने तारीखें फाइनल कर ली हैं। इसके तहत 22 मार्च को ओपनिंग मैच खेला जाना है और 26 मई को फाइनल मुकाबला आयोजित किया जाना है। हालांकि इस पर अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है। अगर ये स्केड्यूल ही अंतिम होता है तो इस हिसाब से T20 वर्ल्ड कप के महज 5 दिन पहले ही टूर्नामेंट खत्म होगा। बता दें कि 1 जून से वेस्टइंडीज और यूएसए में T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत होनी है। हालांकि टीम इंडिया को अपना पहला मैच 5 जून को खेलना है। आईपीएल का यह स्केड्यूल इस साल होने वाले चुनाव से प्रभावित हो सकता है। दरअसल जिस वक्त आईपीएल खेला जाना है उसी दरमियान भारत में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। अलग अलग चरणों में होने वाले ये चुनाव मार्च से शुरू होकर मई तक चलने हैं। ऐसे में संभव है कि बीसीसीआई अपने इस आईपीएल स्केड्यूल पर पहले सरकार से भी चर्चा करेगी। लोकसभा चुनाव के बावजूद आईपीएल इस साल भारत में ही आयोजित होने की पूरी पूरी उम्मीद है। दरअसल 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव के कारण आईपीएल को भारत के बाहर आयोजित किया गया था। हालांकि 2019 के वक्त ऐसा करने की नौबत नहीं आई थी। 2019 में आईपीएल का पहला मुकाबला 23 मार्च को खेला गया था और वहीं फाइनल मुकाबला 12 मई को खेला गया था और इसी बीच देश में चुनाव भी जारी थे। तो ऐसे में इस साल फिर आईपीएल का आयोजन देश में ही किए जाने की पूरी संभावना है। अगर आईपीएल की यही तारीख फाइनल रहती है तो भारतीय खिलाड़ियों को इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद महज 10 दिन का ब्रेक मिलेगा। बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 11 मार्च को समाप्त होगी और उसके बाद ही जैसे ही आईपीएल खत्म होगा उसके तुरंत बाद T20 वर्ल्ड कप है। ऐसे में खिलाड़ियों को भी अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखना होगा। अब इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।